तो ये रही हमारी बस अहमदाबाद से मोरबी AC 2x2 लग्जरी कोच है। ये कुछ होटल है बाहर से, यहाँ पे आपको पफ और मिल जाएगा। तो ये हाईवे सीधा जाता है कचकुच की ओर और हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट और चलेंगे मोरबी के लिए। तो टाइम हो रहा है 8:30 और फाइनली हम पहुंच गए मोरबी बस स्टैंड। सो जय द्वारकाधीश। तो अभी हमें फिलहाल गीता मंदिर बस स्टैंड पे, तो बहुत दिनों के बाद यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो बात करूँ आज की, हमारी जर्नी होने वाली है अहमदाबाद से मोरबी। आप कमेंट थी कि अहमदाबाद से मोरबी की जर्नी लाइए इन JSRTC AC 2x2 लग्जरी कोच में। तो ये रहा लग्जरी कोच, एसी कोच है। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम इसमें आज सफर करेंगे। तो बात करूँ प्राइसिंग की, तो हम अंदर बोर्ड कर लेते हैं फिर टिकट लेते हैं, तो मैं आपको टिकट वाइज दिखा देता हूँ। प्राइसिंग की एक बात आपको डिटेल्स दे दूंगा। तो रूट की बात करूँ तो वो भी सब अंदर कर लेंगे अब बात। और बात करूँ यहाँ से निकलती है बस 3 बजे। वैसे तो आपको मोरबी जाना है या फिर कहीं भी जाना है तो यहाँ से गीता मंदिर से आपको हर 2 घंटे या फिर 1 घंटे में बसेस मिल जाएगी। ऑर्डिनरी बस भी मिल जाएगी, लग्जरी बस भी मिल जाएगी, एसी बस भी मिल जाएगी, साथ साथ वोलो बस भी मिल जाएगी। तो ट्रैवल करेंगे इसमें आज सफर करने में। तो बात करूँ टाइमिंग की, तो यहाँ से 3 बजे ही निकलेगी। अप्रोक्सीमेटली हमको 6 से 7 बजे के बीच में पहुँचा देनी चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली टाइम हम वहाँ जाके कवर अप करेंगे। और बस की सारी जानकारी, रूट वाइज सब कुछ, टिकट का वाइज हम बस में बोर्ड कर लेते हैं, फिर आपको अंदर सब कुछ दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टाइल में। तो मैं हूँ आपके साथ और हम सब JSRTC के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी बस अहमदाबाद से मोरबी AC 2x2 लग्जरी कोच है, इसको बोला जाता है या फिर लग्जरी कोच भी बोला जाता है। तो ये रहे हमारे ड्राइवर साहब। लग गई हमारी बस यहाँ पे 3 नंबर या 4 नंबर के प्लेटफॉर्म पे लगती है, अहमदाबाद से डायरेक्ट मोरबी नॉन स्टॉप। मे बी 2-3 स्टॉप कवर अप करेंगे। ये कुछ बाहर का इंटीरियर है, फुल्ली AC चालू है यहाँ पे। तो चलिए अंदर बोर्ड करते हैं। तो ये रहे हमारे ड्राइवर केबिन और हमारे ड्राइवर साहब, क्या नाम है आपका? भगीरथ सिंह। मिल के बहुत अच्छा लगा। तो AC इन्होंने स्टार्ट कर दिए 20 मिनट से पहले ही, यहाँ पे लग गए थे और AC स्टार्ट कर देते। सो इनसे बाद में बात करेंगे हम टाइम लेके। तो अभी अंदर का इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अंदर का इंटीरियर और फुल ऑन AC चालू है। यहाँ पे आपको बैग रखने की ट्रे मिल जाती है, पूरे हमारे कंडक्टर साहब पे पुश बैक सीट है। ओके सो जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको टिकट की इन्फॉर्मेशन, रूट की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, देन हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे यहाँ से अहमदाबाद से मोरबी न्यू बस स्टैंड के लिए। तो हमने बस में बोर्ड कर लिया है। तो बस के रूट की बात करूँ तो यहाँ से पहले सारनंद हम कवर अप करेंगे, देन हम कवर अप करेंगे 10 मिनट का होल्ड है वो भी कवर अप करेंगे। विरमगाम हम कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे रुकती नहीं, बस स्टैंड में बस जाती नहीं है और चौकी पे खड़ी रहती है, होगा तो कवर अप करूँगा। देन हम कवर अप करेंगे तिरंगा बस स्टैंड, फिर से हड़वद चौकड़ी पे खड़ी रहती है, बस स्टैंड के अंदर नहीं जाती है क्योंकि गांव में होता है इसके लिए। और देन कवर अप करेंगे हमारा मोरबी बस स्टैंड। तो अप्रोक्सीमेटली टाइम लगेगा कुछ 4 घंटे से 4.5 घंटे की जर्नी हो जाएगी। तो बात करूँ फेयर, तो मुझे अभी टिकट मिली नहीं है, टिकट मिलते तो आपको दिखा देता हूँ टिकट और प्राइसिंग की। और रूट ये है, तो जर्नी 3 बजे यहाँ से हमारी स्टार्ट होगी। तो अप्रोक्सीमेटली 7 बजे के पहले हम पहुँच जाने चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। सो जर्नी कंटिन्यू करते हैं टूवर्ड्स मोरबी के लिए। Thank you.
सो टाइम हो रहा है 4:10 और सानंद बस स्टैंड पहुंच गई। ये रहा सानंद, हमारा फर्स्ट स्टॉप है यहाँ पे सानंद बस स्टैंड पे। तो अप्रोक्सीमेटली 24 किलोमीटर कवर अप करने के बाद स्टेट हाईवे था हमारा 17 नंबर का स्टेट हाईवे, हमने कवर अप किया है यहाँ तक सानंद तक। और देन अभी स्टार्ट होगा हमारा 7 नंबर को कवर अप करेंगे जर्नी। अभी नेक्स्ट आपको मे बी मिलूंगा होटल पे, वहाँ पे होल्ड होगा 15-20 मिनट का, तो वहाँ पे चाय पानी करेंगे। तो ये सानंद बस स्टैंड हो रही हमारी 0 RTC AC सीटर बस, तो जर्नी कंटिन्यू करते हैं टूवर्ड्स मोरबी बस स्टैंड। हमने वांदो नहीं पर गुजराती है, हमने वांदो पड़े अंदर बैठेला है, हमने तो खाली हमने पड़ेगा। चलो भाई 15 मिनट का होल्ड।
सो टाइम हो रहा है 3:50 और हम रुके एक होल्ड के लिए। मैंने बोला था इस जर्नी के दौरान एक होल्ड होता है हमारा सिर्फ 15 मिनट का, तो मतलब होल्ड है, यहाँ पे आप 15 मिनट में फ्रेश हो सकते हैं, देन आप यहाँ पे टी या फिर नाश्ता कर सकते हैं, रिफ्रेशमेंट अपने ले लिए यहाँ पे भी ले सकते हैं, और खाना भी यहाँ पे मिलता है, कुछ नाश्ता भी मिलता है तो कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है, देन हम कोशिश करेंगे आज ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब के मतलब उनके साथ चाय पिए और देन कंटिन्यू करेंगे। और बात करूँ हमारे इस बस की, तो ये बस बिल्ड की है भारत फोर्स ने, आप देख सकते हैं बॉडी पूरी भारत फोर्स ने बिल्ड की है, और बस के मतलब फुल एसी ऑन है, अभी चालू है बस, बंद नहीं क्योंकि अंदर पैसेंजर बैठे हैं तो उनको तकलीफ ना, इसके लिए एसी चालू है और बस भी चालू है। सो करते हैं जर्नी कंटिन्यू और पहले नाश्ता वास्ता मतलब चाय में पीते फिर आपको मिलता है। ये कुछ होटल है बाहर से, यहाँ पे आपको पफ और मिल जाएगा, रजवाड़ी पुलाव वो तो सब शाम को मिलता है, पफ है, देन यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज और पिज्ज़ा मिलता है, देन यहाँ पे स्नैक्स आपका हो गया, और वो रहे हमारे ड्राइवर साहब कंडक्टर साहब, चाय पीते हैं उनके साथ, वहाँ पे चाय मिलती है, आपको टोकन लेनी है और देन चाय लेनी है। और ये रहे हमारे मयूर भाई, इनकी वजह से आज की हमारी जर्नी हो पाई है क्योंकि मैं था बाहर गाँव और इनको मैंने कॉल घुमाया तो उन्होंने मतलब मेरी सीट की अरेंजमेंट की है, तो थैंक यू मयूर भाई, और करते चाय भाई पीते हैं यहाँ से। सो यहाँ पे हमारी चाय आ गई है, चाय हमारे ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब ने हमको मतलब ऑफर की है, तो ये रही हमारी बस वहाँ पे, और देन हम यह चाय ख़त्म करते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी मोरबी के लिए।
पे जाना था। तो राइट नाउ टाइम हो रहा है 6:15 और हम पहुंच गए धांगध्रा न्यू बस स्टैंड। ऐसा बस स्टैंड है आपको दिखाता हूँ। और बात करूँ जर्नी की तो स्मूथ चल रही है और दो तीन पैसेंजर थे बीच में उतरने की बात कर रहे थे लेकिन हमारे ड्राइवर साहब ने मतलब मना कर दिया। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है तो आप सर्च कीजिए आसिफ मुसाफिर और हमें फॉलो कीजिए। सबसे पहली अपडेट मैं वहाँ पे डालता हूँ क्योंकि मैं कौन सी जर्नी कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, कहाँ पे, तो बस फॉलो कीजिए और नीचे लिंक भी डाल दूंगा तो आपको आसानी रह जाए। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, अभी अप्रोक्सीमेटली 84 किलोमीटर है तो कंटिन्यू करते हैं जर्नी मोरबी के लिए। तो टाइम हो रहा है 6:51 और हम पहुंच गए सरा चौकड़ी हड़वत। हड़वत पे बस स्टैंड में बस नहीं जाती है, बाईपास ही चलती है। तो यहाँ से अभी कंटिन्यू करेंगे मोरबी के लिए, तो बाईपास से ही चलती है मोरबी के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये हाईवे सीधा जाता है कचपुच की ओर और हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट और चलेंगे मोरबी के लिए।
सो टाइम हो रहा है 8:30 और फाइनली हम पहुंच गए मोरबी बस स्टैंड। तो ये है मोरबी बस स्टैंड का पीछे का। अभी तो मोरबी बस स्टैंड न्यू बस स्टैंड पे हम आए, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये पीछे बन रहा है मोरबी बस स्टैंड न्यू है, इसका इनॉग्रेट होगा तो मैं कोशिश करूँगा इसका वीडियो बनाने के लिए। अभी तो बंद है क्योंकि काम चल रहा है न्यू बस स्टैंड का, और ओल्ड बस स्टैंड आगे है थोड़ा। तो बस यहाँ पे हमारी खड़ी है, और यहाँ से अभी डीजल पुराएंगे और देन बस को रख देंगे। सुबह 7 बजे यहाँ से भी जर्नी फिर मतलब ये बस रवाना होगी अहमदाबाद के लिए। तो ड्राइवर साहब की बात करूँ तो वेल एक्सपीरियंस ड्राइवर है, कंडक्टर भी वेल एक्सपीरियंस है। सो हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई है अहमदाबाद से मोरबी तक, पूरी तकरीबन 230 किलोमीटर हमने कवर अप किया है कुछ 5.5 घंटे में। ट्रैफिक था मतलब हड़बद के बाद जो मोरबी वाला रोड है वो बहुत मतलब डैमेज है, इसका रिनोवेशन का काम मतलब चल रहा है अभी। तो लेट्स सी मतलब देखते हैं वो भी कब पड़ता है। और बात करूँ हम अभी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए आशीष मुसाफर, तो आपको मिल जाएगा इजीली। नहीं मिला है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा हमारे इंस्टाग्राम की, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे तो मेरी अपडेट्स मतलब मैं कहाँ पे हूँ, कब कहाँ पे जा रहा हूँ, तो आपको जल्दी मिल जाएगी। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के मैं वीडियोज़ लाता हूँ तो आपको पहले मिल जाएगा। तो बस जर्नी इतनी थी, हम फिर से मिलूँगा एक नई जर्नी के साथ और नए रूट के साथ। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश, और जय, आप कमेंट में लिखे जय द्वारकाधीश।